मसाला को अच्छा से मिला देंगे। देखिए नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। इस तरह बना के खाइएगा दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगेगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और एक नया वीडियो में आप सबको स्वागत है। हम लोग अच्छे हैं, ऐसा करते हैं कि आप सब अच्छा रहें, खुश रहें, खुशियाँ बढ़ते हैं, अपने अपनी जिंदगी में पूरा मस्त रहें दोस्तों। तो दोस्तों आज देखिए हम लोग का सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लघुचाप हुआ है, ऑरेंज अलर्ट दिया है दोस्तों। 84 आवर्स बारिश होगा। देखिए बारिश का मौसम कैसे कर रहा है उधर में, दिखाइए जी उधर में, पूरा चारों तरफ दिखाइए घुमा के। देखिए दोस्तों कितना बारिश हो रहा है, लघुचाप किया हुआ है। हमारा यहाँ का दुकान भी बंद हो गया, पावर भी कट गया दोस्तों। रात को थोड़ा चार्ज बैठाया था, थोड़ी सी तो चार्ज है दोस्तों, थोड़ा डर डर के हम लोग वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो देखिए कितना बारिश हो रहा है, और 24 घंटा मतलब जोर से बारिश होगा दोस्तों। दुकान भी बंद हो गया दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों। गायत्री जी ने बैठा हुआ है, आज हम लोग चाय खाली बनाए हैं, सुबह चाय पी लिए हैं, बैठे हैं। और देखिए तो पूरा सफेद कर दिया है चारों तरफ, पूरा ढक दिया है। तो दोस्तों आज हम लोग बारिश का मौसम में भिंडी और आलू को झोल करेंगे। ये बॉईल कर दिया है आलू, उसको छिलका उतार दे, इसको फ्राई करेंगे, फिर भिंडी को भी फ्राई करेंगे। और मसाला पीस के रखे हैं, प्याज काटे हैं, टमाटर काटे हैं, तेल भी रख दिए हैं दोस्तों। कढ़ी हम लोग का गरम हो गया है, अभी तेल डालेंगे। आलू को गोटा ही फ्राई कर देंगे दोस्तों, उसके बाद में काटेंगे, क्योंकि बॉईल किया हुआ है ना, काट के फ्राई करेंगे तो चिपक जाएगा, इसीलिए फ्राई कर लेंगे उसके बाद में काटेंगे। और भिंडी को भी फ्राई करेंगे दोस्तों। आज थोड़ा मज़ेदार खाना बनेगा, लोकल स्टाइल में, विलेज स्टाइल में, इंडियन विलेज ब्लॉग में हम लोग यही बनाएंगे आज, बहुत ही टेस्टी लगेगा दोस्तों। तेल गर्म हो गया है दोस्तों, देखिए डालती हूँ। इसको अच्छा से फ्राई होने देते हैं, ब्राउन हो जाएगा तो फिर निकालेंगे, फिर मसाला उसला करेंगे, फिर उसको डालेंगे, बाद में डालेंगे पहले, उसके बाद में ये आलू फ्राई करने के बाद में भिंडी को फ्राई करेंगे। देखिए आज हम लोग कैसे बनाते हैं, इस तरह का आप लोग भी बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। हम लोग का देहाती स्टाइल में यही बनाते हैं, और थोड़ा मज़ेदार अभी भी खाएँगे, रात को भी खाएँगे। देखिए दोस्तों हम लोग का आलू फ्राई हो गया है, कैसे दिख रहा है देखिए, अंडा का जैसे फ्राई कर दिए हैं। यहाँ पे अभी निकालेंगे, अभी ये भिंडी को फ्राई करेंगे दोस्तों। ज़्यादा कड़ा नहीं करेंगे, हल्का हल्का करेंगे, क्योंकि फ्राई करने से टेस्ट थोड़ा अलग लगता है, फ्राई करने से अच्छा लगता है, कच्चा कच्चा बनाने से थोड़ा लेदर लेदर करता है, इसीलिए थोड़ा हल्का फ्राई कर देंगे। और झोल बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, इसका खुशबू भी अच्छा लगता है, और टेस्ट भी तो स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अरे लकड़ी का चूल्हा में तो पीछे मत, मेहनत लगता है लेकिन बनाने में, खाने में बहुत अच्छा लगता है। हल्का फ्राई कर देंगे। देखिए दोस्तों हम लोग का ये भिंडी भी फ्राई हो गया है, हल्का फ्राई किए हैं, इसके निकाल लेते हैं इसको अच्छा से तेल को छान के। गरम लग रहा है, हाथों से जल रहा है हाथ।
छीन लिया। तभी प्याज को डालेंगे। प्याज को अच्छा से ब्राउन होने तक भूनते हैं। मैं टमाटर को इसका छिलका उतार दिया हूँ दोस्तों, देखिए छिलका उतार के टमाटर को इसे पतला पतला करके काट दी हूँ। मसाला पीस के रेडी हुआ है हम लोग का। ये आलू को देखिए दो दो टुकड़ा काट दे रहा हूँ, इसे छोटा था, इसके अंदर में मसाला नमक घुसेगा तो टेस्ट लगेगा, अंदर में मसाला चारों तरफ लगेगा, गोता रहेगा तो अंदर में सीठा सीठा लगेगा। इसे काट देने से सब तरफ नमक मिर्ची लग जाएगा। गरम गरम काट रहा हूँ दोस्तों, पूरा हाथ जल जा रहा है जैसे लग रहा है, मेरा हाथ जल रहा था दोस्तों। देखिए अभी अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ। ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, हल्का हल्का डालेंगे, थोड़ा सा रख दे रही हूँ, कुछ बनाएंगे तो बाद में डालेंगे। मसाला को अच्छा से भूनने देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हल्दी डाल रही हूँ, अभी मिर्ची पाउडर डालूंगी। अभी चिकन मसाला पाउडर डाल दूंगी। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दे रही हूँ। हल्का पानी देके इसको भूंजेंगे, हल्का सा पानी देंगे, लगाने मसाला भर जाएगा अच्छा। टमाटर को डाल रही हूँ दोस्तों। देखिए थोड़ा सा पानी दे दे रहे हैं मसाला में, क्योंकि मोटा हो गया है। अभी सारे आलू और भिंडी को डालेंगे इसमें, अच्छा से भूख गया है। पहले आलू को डालते हैं दोस्तों। फिर अभी भिंडी को डालेंगे। अभी सब्जी का कलर देखिए दोस्तों कैसे दिख रहा है। अभी पानी डालेंगे, देखिए ढक के रखेंगे, अच्छा से फूट जाएगा तो हम लोग का सब्जी रेडी हो जाएगा। अब थोड़ा सा पानी दे देते हैं, अब इसको सीजने देते हैं, हम लोग का खाने का लायक सब्जी हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम लोग का गरम भात निकाल रहे हैं, अभी खाएंगे भिंडी आलू सब्जी के साथ में, गरम गरम अच्छा लगेगा। देखिए कैसे भाप फूट रहा है, भात गरम गरम खाएंगे। हम लोग का मेन खाना है भात, इसको झोल के साथ खाएंगे। ताऊ जी के लिए निकाल दी, ये मेरे लिए निकालेंगे। सब्जी निकालेंगे दोस्तों, देखिए
हम लोग का सब्जी इतना मस्त दिख रहा है दोस्तों, देखिए निकालती हूँ। थोड़ा रखेंगे बाद में खाएंगे शाम को। और थोड़ा डाल देती हूँ, तो दोस्तों हम लोग का रूरल लाइफ ऑफ इंडियन का फूड, देहाती फूड, गरीब का खाना, देखिए कैसे खा रहे हैं हम लोग का इंडिया में, ऐसे ही बना के खाते हैं। खा के दिखाता हूँ दोस्तों कैसे लग रहा है हमको टेस्ट में। ग्रेवी तो बहुत बढ़िया बनना है, अच्छा सुख जा है, पूरा मस्त लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं दोस्तों, देख रहे हैं, गरीब को तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, गरीब को थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि ऊपर उड़ सकूं दोस्तों। आप लोग के बिना मैं ऊपर नहीं उड़ सकती हूँ, मेरा टोटा खरखरा गया बोलने पर, झोल को खा दिया ना इसीलिए। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा देखने के लिए।